हेलो ऑल दिस इज़ सोनू अग्रवाल तोदी वेलकम टू डाइव टू लर्न आज हम लोग कोई भी चैप्टर सब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं आज हम लोग सिर्फ के का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर पी जी टी टी जी टी पी आर टी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आप लोग डाइव टू लर्न को सब्सक्राइब करिए लाइक शेयर करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते ठीक है सो In this article, we are going to share all the eligibility criteria for the teaching post of post-graduate teachers, that is, PGT, trained graduate teachers, that is TGT, and primary teachers for music, including the age limit, relaxation in the upper age limit, essential and desirable educational qualifications. Kendriya Vidyalaya Sangatan, KVS. कंडक्ट्स रिटर्न टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ़ द टीचिंग पोस्ट और केंद्रीय विद्यालय संगठन एक रिटर्न टेस्ट कंडक्ट कर रहा है डिफरेंट टीचिंग पोस्ट के लिए तो वो क्या क्या पोस्ट वो उन, उन्होंने यहाँ पर रिक्रूट किया है वो है प्रिंसिपल्स वाइस प्रिंसिपल्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स दैट इज़ पी जी टीज ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स दैट इज टी जी टीज लाइब्रेरियन प्राइमरी टीचर्स दैट इज़ पी आर टी एंड प्राइमरी टीचर फॉर म्यूज़िक सो के वी एस इज़ अनाउं गोइंग टू अनाउंस द पी जी टी टी जी टी एंड पी आर टी ट्वेंटी ट्वेंटी टीचर रिक्रूटमेंट ठीक है तो वो अनाउंस करने जा रहा है टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए के वी एस कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू के वी एस वेबसाइट अब हमें कैसे उन्हें कॉन्टैक्ट करना है उन्हें हमें KVS के वी एस के वेबसाइट से कॉन्टैक्ट करना है और वेबसाइट क्या है डब्ल्यू 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 डॉट के वी संगठन डॉट एन आई सी डॉट आई एन डॉट Now let's look at the eligibility criteria for the various teaching posts of Kendriya Vidyalay Sangathan. KVS TGT, PGT and PRT teachers age limit 2020. अब जो uh, TGT, PGT और PRT का age limit है ये अलग-अलग इन्होंने category बना के रखा है post के name के साथ-साथ ये age limit भी बताए बता रहे हैं ठीक है? So PRT that is uh, primary teacher का age होना चाहिए 30 थर्टी से अबव नहीं हो सकता है ठीक है और टी जी टी दैट इज ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स उनका एज होना चाहिए थर्टी फाइव अगर थर्टी फाइव से कम है चलेगा लेकिन थर्टी फाइव से अबव हुए आप ऊपर हुए तो नहीं चलेगा ठीक है और पी जी टी दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स उनका एज लिमिट है फोर्टी फोर्टी ईयर्स ऑफ एज ठीक है लेकिन यहाँ पे अब इन्होंने एक आ, क्या दिया है इन्होंने एक एज रिलैक्सेशन बात दिया है ठीक है द अपर एज लिमिट प्रस्क्राइब्ड अबव इज़ हाउ एवर रिलैक्सेबल इन द फॉलोइंग केसेज अब जो ये इन्होंने बनाया ना पी आर टी टी जी टी और टी जी टी के लिए एक एज लिमिट जो थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी रेस्पेक्टिवली जो इन्होंने रखा है इसको एक रिलैक्सेशन दिया है नीचे दिए गए कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग तो हम लोग देखते हैं कैसे दिया है नंबर वन दैट इज़ ए में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में अगर आप बिलोंग करते हो कैटेगरी ऑफ पर्सन जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में बिलोंग करते हो तो आपको कितना मिलेगा आपको फाइव ईयर्स एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल रहा है जो भी इन्होंने एज लिमिट दिया है उससे आप फाइव इयर्स अगर बड़े हो एज में ज़्यादा हो तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे ठीक है अगर अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिला है तीन साल का थ्री ईयर्स ठीक है और विमेन ऑल कैटेगरी फॉर टीचिंग पोस्ट ओनली और अगर आप एक महिला हो और किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो और टीचिंग पोस्ट के लिए सिर्फ लेकिन ये ठीक है जो टीचिंग पोस्ट है उसके लिए आपको दस साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है टेन इयर्स ऑफ रिलैक्सेशन एज में ठीक है और के वी एस एम्प्लॉयी हैं अगर आप पहले से ही के वी एस में आप एम्प्लॉयी रह चुके हैं या कर रहे हैं वहाँ पे काम तो आपका एज का कोई लिमिट नहीं नो एज बार बोला है उन्होंने आप कोई भी एज के हो आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगा ठीक है आप एलिजिबल होंगे वहाँ वहाँ पे फिर आता है कैंडिडेट्स विथ थ्री ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट आर इन सेम और अलाइड कैंडिडेट्स अब इसमें क्या कहा है कि तीन साल तक कंटिन्यू अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एक एम्प्लॉयी रह चुके हो तो आपको इस इसमें भी आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा एज में तो क्या है वो रिलैक्सेशन एज का फाइव इयर्स फॉर जनरल ठीक है अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको पाँच साल की रिलैक्सेशन मिल रही है अगर आप गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रह चुके हो एक कैंडिडेट रह चुके हो तो और दस साल का रिलैक्सेशन अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हो और आठ साल का रिलैक्सेशन ऑफ एज फॉर ओ बी सी दैट इज अदर बैकवर्ड क्लास ठीक है जनरल के लिए पाँच एस एस सी के लिए दस और ओबीसी के लिए आठ साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है यहाँ पे और फिर यहाँ पे क्या दूसरा पॉइंट क्या बोला इन्होंने पर्सन ऑर्डिनरली डोमिसाइल्ड इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग जीरो वन जीरो वन नाइनटीन एटी टू थर्टी फर्स्ट ट्वेल्थ नाइनटीन एटी नाइन दैट इज़ जनवरी एक उन्नीस सौ अस्सी से अगर जनवरी एक उन्नीस सौ अस्सी से इकतीस दिसंबर उन्नीस तक अगर आप जम्मू कश्मीर के बासिंदा रहने वाले हो, वहाँ के नेटिव हो तो आपको फिर क्या मिल रहा है यहाँ पे आपको पाँच साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा मिल रहा है ठीक है नाउ पर्सन विद डिसिटीज़ अगर आप डिफरेंटली एबेल अब अबिलिट अबिलिटी हो या तो डिसेबिलिटी है इंक्लूडिंग वुमन इसमें मेल फीमेल का कैटेगरी अलग नहीं दिया गया इसमें इन वुमेन भी इंक्लूडेड है ओके okay? अगर आप एस सी एस टी को बिलोंग करते हो और ओ ब बी एस एंड जनरल करें तीनों कैटेगरी को यहाँ पे अलग अलग लिखा गया है एस सी एस टी नंबर वन में आपको फिफ्टीन ईयर्स का रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन मिल रहा है अगर आप डिसेबल हो तो ओ बी ओ बी सी के लिए थर्टीन ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल रहा है अगर आप डिसेबल हो किसी भी तरह से महिला हो तो इतने ईयर्स का ओके एंड देन जनरल कैटेगरी के लिए दस साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है अगर डिसेबिलिटी है और इंक्लूडिंग अगर आप वुमेन भी हो तो ठीक है नाउ अनदर इज़ एक्स सर्विसमैन दैट इज़ जनरल कैटेगरी फॉर ग्रुप ए पोस्ट ओनली ग्रुप ए के पोस्ट के लिए अगर आप एक्स सर्विसमैन हो में से बिलोंग करते हो और जनरल कैटेगरी के हो तो आपको पाँच साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है एज में और एक सर्विस मैन ओ हो ओ कैटेगरी को बिलोंग करते हो एक सर्विस मैन ही हो आप भी लेकिन इसमें फिर ग्रुप ए का पोस्ट के लिए ही बोल रहे हैं ये कि एट ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा दैट इज़ थ्री ईयर्स प्लस फाइव ईयर्स एक्स्ट्रा ठीक है एंड एक्स सर्विसमैन ओ बी सी फॉर ग्रुप ए पोस्ट ओनली टेन ईयर्स दैट इज़ फाइव ईयर्स प्लस फाइव ईयर्स फाइव ईयर्स ऊपर में जो नॉर्मली दिया गया है उसका प्लस एक्स्ट्रा फाइव ईयर्स आपको मिलेगा आप एक्स सर्विसमैन हो बोल के नाव कम एक्स सर्विसमैन जनरल फॉर ग्रुप बी पोस्ट ओनली ग्रुप बी पोस्ट के लिए अगर आप एक्स सर्विसमैन हो आर्मी में बिलोंग करते हो और जनरल कैटेगरी को कैटेगरी के हो तो थ्री ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिटरी सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन आपके एप्लीकेशन जिस दिन रिसीव करेंगे उस दिन आपकी एज क्या है उसमें से डिडक्ट करके थ्री ईयर्स का रिलैक्शेसन आपको मिलेगा ठीक है एंड देन अगर आप एक्स सर्विसमेंट हो और ओ बी सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो फॉर ग्रुप बी पोस्ट ओनली आपको छ साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है वो भी सिमिलर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन ठीक है अब है एक्स सर्विसमैन ओबीसी ओ फॉर ग्रुप ग्रुप बी पोस्ट ओनली ये तो सिमिलर सेम है आगे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया छः साल का ही रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप मिलिट्री सर्विस कर रहे हो तो आपका सर्विस से सर्विस uh, uh, जिस समय आप uh, ये एप्लीकेशन प्रोवाइड uh, कर रहे हो के वी को उस समय आपकी एज से डिडक्ट करके ये आपको सिक्स इयर्स का रिलैक्सेशन देंगे एज में एंड देन एक्स सर्विस फॉर एस और एस फॉर ग्रुप बी पोस्ट ओनली ग्रुप बी पोस्ट के लिए अगर आप एस सी और एस टी uh, में बिलोंग कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है आपको एट ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन मिल रहा है इसमें भी सिमिलर यही है आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन ठीक है नाउ एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अब आप लोगों का क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए ये यहाँ पे बोल रहे हैं ठीक है सो एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए तो अगर आप आ, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो जैसे आप हिंदी का टीचर बनना चाहते हो या इंग्लिश का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी हिस्ट्री जोग्राफी इकनॉमिक्स एंड कॉमर्स आपको ये कितनी किसी भी टी सब्जेक्ट का टीचर बनना है तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए ये नंबर वन नंबर ए इज टू ईर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एम एस सी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एन सी आर टी इन द कंसर्न सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट मतलब आप अगर हिंदी के बन रहे हो तो हिंदी का आपको इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एम एस सी करना होगा टू ईयर्स का मैथ्स का बायोलॉजी हिस्ट्री जो भी है सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट है उस पर आपको टू ईयर्स का इंटरग्रेटेड पोस्ट तो करना ही करना है और मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रेकग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स ठीक है फिफ्टी परसेंट मार्क्स आपको मिलना ही पड़ेगा तो बड़ा सब्जेक्ट अगर आप पी जी टी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश करना चाहते हो तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में आपका इंग्लिश आपका कोर सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है हिंदी है तो आपका हिंदी और संस्कृत विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज ग्रेजुएट एट ग्रेजुएट लेवल ग्रेजुएशन के टाइम पे आपका हिंदी एक सब्जेक्ट होना ही होना है ठीक है और संस्कृत और हिंदी में से एक होना जरूरी है अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए बनना है तो आपका सब्जेक्ट क्या क्या होगा ग्रेजुएशन के टाइम पे फिज़िक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स ये सब्जेक्ट्स आपको होना ही पड़ेगा एंड देन दम्स प्रोज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स फॉर केमिस्ट्री तो आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए केमिस्ट्री और बाय केमिस्ट्री होना पड़ेगा ठीक है अगर आप इकोनॉमिक्स का पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग करना चाह रहे हो तो क्या है आपका सब्जेक्ट क्या क्या होना चाहिए इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स बिजनेस इकनॉमिक ये आपका ग्रेजुएशन के टाइम पे ग्रेजुएशन के लेवल पे आपका ये सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है और पीजीटी फॉर कॉमर्स है तो आपका मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स हाउ एवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ़ एम कॉम इन अप्लाइड ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल अगर आप कॉमर्स का पी करना चाहते हो आपके पास मास्टर्स डिग्री ऑफ़ कॉमर्स होना जरूरी है डिग्री ऑफ़ एम इन अप्लाइड ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं माननीय होगा ये दैट इज़ नॉट बी एलिजिबल लिखा गया है ठीक है तो आपको मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स लेना पड़ेगा अगर आप पी जी टी फॉर कॉमर्स के आ, टीचर बनना चाह रहे हो तो देन कम्स पी जी टी फॉर मैथ्स अगर मैथ्स में आपको पी जी टी टीचर बनना है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना है तो आपको आपका ग्रेजुएशन के लेवल में मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथेमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना ही पड़ेगा नाउ कम बायोलॉजी अगर आप पी जी टी फॉर बायोलॉजी का टीचर हो तो बोटनी जियोलॉजी लाइफ साइंसिस बायो साइंसिस जेनेटिक्स माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी बायो बायोलॉजी प्लांट साइ सोशोलॉजी प्रोवाइडेड दे हैव स्टडी बोटनी एंड जोलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल तो ग्रेजुएशन के लेवल पर आपका बोटनी और तो होना ही होना है बात बाकी ये सब्जेक्ट्स भी ज़रूर से होना पड़ेगा आपके ग्रेजुएशन लेवल में ठीक है ना पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री तो आपका हिस्ट्री कोर्स सब्जेक्ट जरूरी है और जोग्राफी के लिए जोग्राफी, के लिए जोग्राफी कोर सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है आपका ग्रेजुएशन के लेवल में ठीक है ये नंबर था ए इन्होंने बता दिया आपका आपका जो भी सब्जेक्ट का पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर बनना है उस सब्जेक्ट का क्या सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट है ये बता दिया इन्होंने अब सेकंड क्या बोल रहे हैं बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका बीएड का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है बी डिग्री होना बहुत ज़रूरी है दैट इज़ बैचलर ऑफ़ एजुकेशन एंड और इक्वीवेंट डिग्री जो बी का इक्वेलेंट डिग्रीज होते हैं अगर वो है तो भी चलेगा बट फ्रॉम अ वेरी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी ओके एंड देन थर्ड में क्या बोल रहे हैं प्रोफेसेंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको पढ़ाना या सिखाना आना बहुत ज़रूरी है ये इनका क्राइटेरिया है इन्होंने यहाँ पर रखा है ये पॉइंट को तो आपको ये भी आ, ये भी, आ, ये भी आ, सोच के चलना पड़ेगा आगे जाके आपको हिंदी में भी पढ़ाना पड़ेगा और इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाना ही पड़ेगा सो so दैट दोनों लैंग्वेज से आप फ्लुंट होना बहुत ज़रूरी है नोट क्या नोट करवा रहे हैं कैंडिडेट हैविंग ओनली स्पेशल बी एड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ पी जी टी सिर्फ आपका बी एड का सर्टिफिकेट है तो आप पी जी टी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माने जा रहे हैं ये आप नोट कर लीजिए ठीक है नाउ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन वॉट आर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फ़ॉर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन अब आपको अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन का टीचर कंप्यूटर का टीचर बनना है तो आपके पास क्या क्या नॉलेज uh, होना चाहिए ये बता रहे हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फॉर कंप्यूटर साइंसेज सो आर एसेंशियल इज एट लीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन एग्रीग्रिएट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग इन नीचे में नीचे जितने ऑप्शन दिए ना उनमें किसी में भी आप अगर फिफ्टी परसेंट मार्क्स लेके पास हुए हो तो आप uh, मतलब आप uh, क्वालिफाइड होंगे इस जॉब के लिए ठीक है तो व्हाट आर दिस लेट मी लेट अस सी दैट इज़ बी ई और बी टेक कम्प्यूटर साइंस आई टी फ्राम अ रेकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्वीवेंट डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी रेकग्नाइज बाई इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आपका बी या बी होना जरूरी है कंप्यूटर साइंस या आई में और किसी भी रेकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना पड़ेगा और और आ, और फिर इक्विवेलेंट डिग्री जो बी या बीटेक टेक का इक्वीवेंट डिग्री या डिप्लोमा होता है वो है आपके पास किसी भी रिकगनाइज यूनिवर्सिटी से तो आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हो और बी ई और बी टेक एनी स्ट्रीम एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स फ्रॉम अ रेकग्नाइज यूनिवर्सिटी अब इस आपका बी ई या बी, बी टेक किसी भी स्ट्रीम में आप कर लिए ये नहीं कि कंप्यूटर साइंस या आई टी में ही हो और किसी स्ट्रीम में किए हो लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स है आपके पास अगर ये डिग्री है आपके पास तो आप फिर फ्राम अ रिकगनाइज यूनिवर्सिटी तो आप फिर uh, उसके लिए uh, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाओगे ठीक है एंड देन एम एस सी दैट एम एस सी किस में है तो एम एस सी कंप्यूटर साइंस में चाहिए इन्हें और एम सी ए दैट इज़ मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और इक्वीवेंट फ्राम अ रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी ये इन दोनों में अगर आपको पास इन दोनों में से किसी एक में डिग्री है और वो भी किसी फिर इक्वेलेंट uh, मतलब इन दोनों के इक्विवेलेंट का और कोई डिग्री हो आपके पास और आपने ये किसी रिकगनाइज यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है तो आप फिर इक्विवेलेंट आप फिर एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए नाउ कम इज़ बी एस सी दैट इज़ बी एस सी इन कंप्यूटर साइंस और बी सी ए दैट इज़ बैचलर ऑफ़ कंप्यूटर एप्लीकेशन और इक्विवेलेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सब्जेक्ट From a recognized यूनिवर्सिटी अब आपका मास्टर्स uh, नहीं किया है लेकिन आपने बैचलर इन साइंस दैट इज़ कंप्यूटर साइंस में किया है या बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया और या फिर इक्विवेलेंट है इसी डिग्री uh, के साथ आपके पास और कोई डिग्री और फिर साथ में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इन द सब्जेक्ट फ्राम अ रेकग्नाइज यूनिवर्सिटी फिर आप एलिजिबल हो गए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्राम अर रेकग्नाइज यूनिवर्सिटी अगर ये भी है तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए बी लेवल फॉर डोए का एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अब बी लेवल फॉर डोए का मतलब डो ए का से आपका बी लेवल का अगर पास आउट किया है आपने और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ आपके पास होना पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना ज़रूरी है अगर है आपके पास तो आप इस डिग्री इस आ, आ, पोस्ट के लिए आप एलिजिबल माने जाओगे ना अगेन इफ़ यू हैव एनी सी लेवल फ्राम डोएका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन तो आप फिर अभी भी आप माननीय हो गए इस पोस्ट के लिए ठीक है ना अन्ना फर्स्ट तो यह है सेकेंड में क्या है सेकेंड में क्या होगा कि Proficiency इन टीचिंग इन हिंदी एंड मीडियम इंग्लिश आगे भी इन्होंने बोला था कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाना पड़ेगा तो इस इस दोनों फील्ड में आपका फ्लुएंसी होना बहुत ज़रूरी है ठीक है और नोट नोट क्या बोल रहे लोग फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन इन इनकम्बेंट विल हैव टू अकबर बी एड और इक्वालन डिग्री अब आपके पास अगर बी एड डिग्री नहीं है या बी एड इक्वल डिग्री नहीं है तो फिर ये आपका पोस्ट आपके लिए वैलिड नहीं होगा आपको प्रमोशन के लिए भी ये डिग्रीज़ आपको बी एड और बी एड का इक्वैलेंट डिग्री आपके पास होना बहुत ज़रूरी है सो so, ये चीज़ आप नोट करके रखिए देन कम इसशियल क्वालिफिकेशनस वो अभी तक हम लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के बारे में बात कर रहे थे अब हम लोग क्या कर हम लो बात कर रहे हैं अब हम so, लोग ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है सो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में भी अपने अपने सब्जेक्ट है सबका सब अपने अपने सब्जेक्ट में ही टीचिंग करेंगे इंग्लिश हिंदी सोशल स्टडीज साइंस संस्कृत मैथ्स है ना तो इन सब इन सब का क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये हम लोग आगे देखते हैं सो वाट इज़ इट नंबर फोर नंबर वन में फोर ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एन इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट फिफ्टी मार्क्स इन एग्रीग्रेट है no, ना आपके पास फिफ्टी मार्क्स एग्रीगेट तो होना ही पड़ेगा फोर ईयर्स डिप्लोमा कोर्स के साथ एंड और ये नहीं है तो फिर आपके पास क्या होना पड़ेगा आपके पास ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना पड़ेगा आपका बैचलर्स डिग्री होना पड़ेगा विद एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन द कंसर्नड सब्जेक्ट और कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट अगर कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स और मेन सब्जेक्ट तो कोर्स आप पढ़ाने वाले हो उसमें फिफ्टी परसेंट मार्क्स आपका होना बहुत ज़रूरी है द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर एज अंडर अब क्या क्या सब्जेक्ट का होना पड़ेगा कॉम्बिनेशन वो देख लीजिए बी एड और इक्वेलन डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी पास इन द सेंट्रल टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज सीड पेपर टू कंडक्टेड बाई सी बी एस ई इन अकॉर्डिंग विद द गाइडलाइंस फ्रेम बाई द एन सी टी ई फॉर द पर्पज एंड प्रोफेसेंसी इन हिंदी टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम तो आपका ये कॉम्बिनेशन क्या था बी एड होना ही पड़ेगा या इक्वलेंट बी एड का फिर सी टी सी सी टी पेपर टू का आपको एग्ज़ाम में पास क्लियर होना पड़ेगा और इस पोस्ट के लिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पोस्ट के लिए और आप प्रोफिशेंट के इस चीज़ में होना चाहिए आपको प्रोफिशंसी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आप टीचिंग कर सको उसमें आपका प्रोफिशंसी होना ज़रूरी है इनके हिसाब से इनके क्राइटेरिया तभी पूरा होगा ठीक है नाउ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस फॉर कंप्यू नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या चाहिए कंप्यूटर टीचर में ये सब दिखाया जा रहा है और इसमें यहाँ पर यहाँ पे पहले इन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में जिसमें भी आप आपका कोर सब्जेक्ट है उसके बारे में बोला है नंबर वन इज़ टी जी टी फॉर इंग्लिश ठीक है इंग्लिश में इंग्लिश टीचर अगर आपको बनना है तो आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द थ्री इयर्स आपके तीनों साल में ग्रेजुएशन के तीनों साल में बैचलर्स के साथ तीनों साल इंग्लिश मेजर सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है अगर आप टी जी टी फॉर इंग्लिश दैट इज़ टीचर फॉर इंग्लिश बनना चाहते हो तो सिमिलरली अगर आप हिंदी पे हिंदी टीचर बनना चाहते हो टी जी टी हिंदी तो हिंदी सब्जेक्ट आपका तीनों साल में होना चाहिए बैचलर्स के तीनों साल में आपका मेजर हिंदी होना बहुत ज़रूरी है अगर आप सोशल स्टडीज़ का टी जी टी टीचर बनना चाहते हो तो क्या है एनी ऑफ द टू टू ऑफ़ द फॉलोइंग हिस्ट्री जोग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी ई हिस्ट्री और जोग्राफी इसे क्या बोल रहे हैं अगर आप आपके अब आप, सोशल स्टडीज़ का टीचर बनना है आपको तो हिस्ट्री तो होना ही पड़ेगा साथ में आपका ईद हिस्ट्री जोग्राफी हो या हिस्ट्री इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री पॉल साइंस हो या फिर जोग्राफी हो जोग्राफी हिस्ट्री हो जोग्राफी इकोनॉमिक्स हो या जोग्राफी पॉल साइंस किसी भी दो कॉम्बिनेशन का होना जरूरी है लेकिन हिस्ट्री या फिर जोग्राफी एक सब्जेक्ट मस्ट है उसमें ठीक है एंड टी जी टी साइंस अब टी जी अगर साइंस आपको टीच, टीचिंग करना है तो आपका सब्जेक्ट बोटानिक जोआलॉजी और केमिस्ट्री मस्ट है इन द बैचलर्स ईयर इन थ्री ईयर्स ऑफ बैचलर ठीक है देन कम संस्कृत संस्कृत इज़ द सब्जेक्ट इन ऑल द थ्री ईयर्स अगर आपको संस्कृत द टी जी टी का टीच, टीचिंग करना है तो आपका संस्कृत थ्री ईयर्ज सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट होना जरूरी है अगर आप मैथ्स के टीचर बन रहे हो तो बैचलर्स इन मैथ्स विद एनी ऑफ द टू ऑफ फॉरन सब्जेक्ट मैथ्स तो हो गया ही होगा उसके साथ में दो एनी एनी ऑफ़ द टू कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है इधर फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स मतलब इनमें से मैथ्स तो एक हो गया और बाकी एनी टू मैथ्स के साथ एनी टू आप एनी टू आपका सब्जेक्ट अगर मैच हो रहा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाओगे नाउ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट फ़ॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स अब आपको देखना है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने क्या दिया है आप ये सब देख के इसमें आपको पता चलेगा कि अच्छा हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है हमें हमारे में अगर कुछ कमी है तो हम उसको डेवलप करें उसमें हम लोग अपना प्लस पॉइंट बनाएँ ये सब देखें तो इन्होंने पॉइंट्स दिया है द कैंडिडेट्स शुड प्रोजेज द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ बी एड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जिस दिन आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो उस दिन आपके पास ये बी एड डिग्री बी एड का डिग्री होना बहुत ज़रूरी है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ बी एड बी एड आप पास आउट हो होना ही पड़ेगा इस पोस्ट में आप एलिजिबल अगर होना चाहते हो तो ठीक है फॉर द पोस्ट ऑफ टी जी टी सोशल स्टडीज नंबर वन द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी टू सब्जेक्ट ऑर द फॉलोइंग जैसे मैंने ऊपर बताया ना हिस्ट्री विथ एटलीस्ट फिफ्टी मार्क्स इन एग्रीकेट एंड वन सब्जेक्ट आउट ऑफ जोग्रफी इकनॉमिक्स पॉलिसाइंस विथ एटलीस्ट फिफ्टी मार्क्स इन एग्रीग्रेट एंड ऑल्सो एटलीस्ट 50 मार्क्स इन ग्रेजुएशन और नंबर टू में अगर आप हिस्ट्री ले रहे हो तो ये कॉम्बिनेशन अगर ज्योग्राफी ले रहे हो तो फिर हिस्ट्री इकनॉमिक्स पॉलिसाइंस वो भी फिफ्टी फिफ्टी मार्क्स का आपका एग्रीग्रेट मार्क्स आना चाहिए इन द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन ठीक है और हिस्ट्री जोग्राफी शुड हैव बीन स्टडीड इन ऑल द ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट फिफ्टी मार्क्स अगर आप हिस्ट्री ले रहे हो तो हिस्ट्री थी तीनों ईयर होना चाहिए अगर आप जोग्राफी ले रहे हो तो जोग्रफी तीनों ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के टाइम में आपका होना पड़ेगा और फिफ्टी मार्क्स होना पड़ेगा फिफ्टी परसेंट मार्क्स होना ही पड़ेगा उसमें नाउ इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन हिस्ट्री द कैंडिडेट्स शुड हैव स्टडी जोग्रफी इकनॉक्स पॉलिस साइंस इन फर्स्ट और सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट फिफ्टी मार्क्स इन हिस्ट्री इन एग्रीग्रेड एंड एटलीस्ट फिफ्टी मार्क्स इन अदर सब्जेक्ट्स इंडिकेटेड अव एट ग्रेजुएशन लेवल एंड ऑल्सो एटलीस्ट फिफ्टी मार्क्स इन एग्रीग्रेट एट ग्रेजुएशन लेवल ठीक है तो अगर ऑनर्स है तो फर्स्ट ईर सेकेंड ईयर में आपका हिस्ट्री हिस्ट्री ऑनर्स है तो आपका फर्स्ट या सेकेंड ई ईयर में जोग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिसाइंस में से किसी भी ए का होना होना जरूरी है और विथ फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन्हें चाहिए ही चाहिए बोल रहे हैं ठीक है सिमिलरली इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन जोग्रफी द कैंडिडेट शूड हैव स्टडीड हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिसाइंस इन फर्स्ट और सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन विथ फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन जोग्राफी इन एग्रीगेट एंड एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन अदर सब्जेक्ट इंडिकेटेड अव एट द ग्रेजुएशन लेवल एंड ऑल्सो एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट तो फिफ्टी परसेंट तो आपका जोग्राफी में ही होना पड़ेगा और बाकी का सब्जेक्ट में मिलाकर फिफ्टी परसेंट हो तो आप एलिजिबल हो गए इस पोस्ट के लिए ठीक है सो पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ टीजी टी मैथ्स मैथ्स के लिए आपका फिर क्या क्या क्राइटेरियाज um, हैं तो ये देखिए द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ्स इन ऑल द ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन विद द टू सब्जेक्ट्स आउट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स इन सब्जेक्ट्स में किसी भी दो सब्जेक्ट आपका है और आपने ग्रेजुएशन बैचलर्स में आपने मैथ्स थ्री ईयर्स पढ़ा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन मैथ्स अगर आपका मैथ्स ऑनर्स है द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी मैथ्स इन ऑल द ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन एग्रीग्रेट एंड एनी ऑफ द टू सब्जेक्ट इंडिकेटेड इन नंबर पॉइंट नंबर वन अव विद एटलीस फिफ्टी परसेंट मार्क्स इच सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल एंड ऑल्सो एटलीस फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन ग्रेजुएशन तो अगर आपका ऑनर्स है तो ऑनर्स तो आपको थ्री ईयर पढ़ना ही पड़ेगा साथ में जो आप दो कॉम्बिनेशनल सब्जेक्ट्स ले रहे हो उसमें भी इन्हें फिफ्टी परसेंट मार्क्स चाहिए ही चाहिए है ठीक है ना बी ए ऑनर्स इन मैथ्स एंड बस सी ऑनर्स इन एनी अदर सब्जेक्ट देन मैथ्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टी जी टी मैथ्स अगर आप बी एनर्स कर रहे हो एंड इन मैथ्स आप मैथ्स के टीचर बनना चाह रहे हो या फिर बी एस ऑनर्स .E. है किसी और सब्जेक्ट में विदाउट मैथ्स मैथ्स है नहीं आपके पास तो आप फिर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं ठीक है नाउ फॉर द पोस्ट ऑफ टी जी टी साइंस साइंस टीचर में इन्हें क्या क्या चाहिए द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बोटनी जोलॉजी एंड केमेस्ट्री इन ऑल द ययर्स ऑफ ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट ठीक है तो इन्हें साइंस टीचर में क्या चाहिए बोटनी जोलॉजी केमिस्ट्री सब पढ़ा होना चाहिए और फिफ्टी परसेंट मार्क्स भी चाहिए इन्हें ठीक है द कैंडिडेट्स विद ऑनर्स डिग्री इन बोटानिक जुअलॉजी और केमिस्ट्री विद एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन बस सी स्वी हैव स्टारिड अदर टू सब्जेक्ट विद एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन ईच ऑफ थेम एट ग्रेजुएशन लेवल अगर बी एस ऑनर्स डिग्री है तो बोटानिक जुअलॉजी केमिस्ट्री किसी भी एक में ऑनर्स है तो बाकी दो में आपको फिफ्टी परसेंट मार्क्स लाना ही लाना है और ग्रेजुएशन लेवल में दोनों में फिफ्टी मार्क्स इन्हें चाहिए ही चाहिए और अगर आप टी जी टी फॉर इंग्लिश हिंदी एंड संस्कृत के लिए अगर टीचर बन रहे हो तो आपका क्या क्राइटेरिया आपका क्या एलिजिबिलिटी रहेगा द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड इंग्लिश हिंदी और संस्कृत इन ऑल द ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन इंग्लिश हिंदी संस्कृत फॉर द पोस्ट ऑफ टी जी टी इंग्लिश हिंदी संस्कृत रिस्पेक्टिवली ठीक है तो अगर आप हिंदी इंग्लिस या संस्कृत uh, के टीचर बन रहे हो तो आपके ब्लैच लेवल में तीनों साल में ये सब्जेक्ट आपका कोर सब्जेक्ट होना जरूरी है और फिफ्टी परसेंट मार्क्स आना भी ज़रूरी है इन द ग्रेजुएशन लेवल ठीक है नाउ इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर प्राइमरी टीचर्स अब इन्हें प्राइमरी टीचर्स बच्चों को टीचर्स जो है उसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी देखिए ना प्राइमरी टीचर म्यूज़िक के लिए इन्हें क्या क्राइटेरिया रखा uh, क्या क्या है इन्होंने असेंशियल क्या इन्हें क्या ज़रूरत है नंबर वन इज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद फिफ्टी परसेंट मार्क्स और इंटरमीडिएट विद फिफ्टी परसेंट मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट एंड बैचलर्स डिग्री इन म्यूज़िक और इक्विवेलेंट फ्रॉम वेल फ्राम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी आपका लेवल आपका पढ़ाई सीनियर सेकेंडरी तक ही है स्कूल सर्टिफिकेट ठीक है या फिर इंटरमीडिएट तक ही है फिफ्टी परसेंट मार्क्स लाए अब चलेगा लेकिन इन्हें म्यूज़िक टीचर चाहिए और म्यूज़िक टीचर का इन्हें बैचलर्स इन म्यूज़िक का डिग्री चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर म्यूज़िक ठीक है डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको कंप्यूटर चलाना भी थोड़ा बहुत आना चाहिए ठीक है नो नोट इन्होंने क्या नोट करवाया है फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर म्यूज़िक द कैंडिडेट हु हैव अपटेंड डिप्लोमा इन म्यूजिक आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई जिन्होंने प्राइमरी टीचर म्यूज़िक के लिए कौन अप्लाई नहीं कर सकता द कैंडिडेट अपन डिप्लोमा इन म्यूज़िक म्यूज़िक में जिन्होंने डिप्लोमा सिर्फ लिया है वो एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए म्यूज़िक में अगर आप इस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो तो ठीक है ना प्राइमरी टीचर अब सब्जेक्ट वाइज टीचर्स यहाँ पर प्राइमरी में तो होते नहीं ना प्राइमरी में तो टीचर्स का यहाँ पर इन्होंने एक ही कैटेगरी बना के दिया है तो इन्हें क्या चाहिए प्राइमरी टीचर्स के लिए द क्वालिफिकेशन और एसेंशियल इन्हें क्या चाहिए इनकी क्या, क्या जरूरत है दैट इज़ नंबर वन ये क्या देख रहे हैं ये देख रहे हैं सीनियर सेकेंडरी और इट्स एक्वेन्ट विद एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स एंड टू ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नोन अब इन्हें क्या चाहिए सीनियर सेकेंडरी चाहिए है ना इंटरमीडियट सीनियर सेकेंडरी विद फिफ्टी परसेंट मार्क्स तो इन्हें चाहिए चाहिए लेकिन इन्हें क्या चाहिए साथ साथ दो ईयर टू ईयर्स ऑफ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो प्राइमरी टीचर बनने का डिग्री होता है एलिमेंट्री एजुकेशन वो भी चाहिए इन्हें ठीक है और और बाकी ये क्या लिख रहे और सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विलेंट विथ एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स एंड फोर इयर्स बैचलर्स डिग्री ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ऊपर दिया दो ईयर टू इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन नीचे बोल रहे हैं फोर इयर्स बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ठीक है दैट इज बी ई एल ई डी ठीक है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बोला जाता है उसे ना और दूसरा क्या बोल रहे और सीयर सेकेंड्री और इट्स इक्वलेंट विथ फिफ्टी परसेंट मार्क्स विद टू इयर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन दैट इज स्पेशल एजुकेशन एजुकेशन में अगर आपका टू ईयर्स डिप्लोमा है तब भी आप एलिजिबल रहोगे इस प्राइमरी टीचर के लिए ठीक है और फिर ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स एंड बैचलर्स ऑफ एजुकेशन अगर आपका ग्रेजुएशन किया हुआ है फिफ्टी परसेंट मार्क्स आया है और आपने बी एड भी किया है दैट इज़ बैचलर ऑफ़ एजुकेशन किया हुआ है देन यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ अ प्राइमरी टीचर ठीक है Who has acquired the qualification of bachelor's education from the NCTE recognized institution shall be considered for appointment as a teacher in class one to five, provided the person so appointed as a teacher shall mandatory undergo a six month bridge course in elementary education recognized by the NCTE within. टू ईयर्स ऑफ सच अपॉइंटमेंट एज प्राइमरी टीचर तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन किया है बी एड किया है लेकिन फिर भी अगर आपको ये जॉब इन्होंने ऑफर किया है तो आपको यहाँ पर मैंटरी क्या करना पड़ेगा एक सिक्स मंथ्स का ब्रिज कोर्स लेना पड़ेगा ड्यूरिंग द टू इयर्स दो दो साल आपको मिल रहे हैं वहाँ पे नौकरी किया जॉब किया अगर आपको दे रहे हैं वो तो उस दो साल के अंदर आपको छः महीने का बी ब्रिज कोर्स करना जरूरी है ब्रिज कोर्स किस इन एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम अ रिकगनाइज एन टी एन सी टी ई एन सी टी ई से आपको एलिमेंट्री एजुकेशन का छः महीने का ब्रिज कोर्स करना ज़रूरी है अगर आप एक ग्रेजुएट हो और बैचलर्स ऑफ एजुकेशन का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसके लिए उसको आपको ये करना ज़रूरी है और आप किस किस चीज़ के लिए एलिजिबल होगे आप वन टू फाइव क्लासेस के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होगी नाउ सेकेंड इज़ क्वालिफ़ाइड इन देंट्रल टी टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आपने सी टी सी टेट का एग्ज़ाम दिया है तो आपका उसमें वो क्वालिफिकेशन जो होना वो क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है पास होना भी ज़रूरी है एंड प्रोफिशेंसी इन टीचिंग थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको पढ़ाना आना चाहिए एंड डिज़ायरेबल इज आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन आना भी ज़रूरी है ठीक है नाउ एसेंशियल क्वालिफिकेशन फ़ॉर द पोस्ट ऑफ अ लाइब्रेरियन लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए आपका क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए वो देख रहे हैं बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और ग्रेजुएट विथ वन ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रेकग्नाइज इंस्टीट्यूशन आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस के लिए और ग्रेजुएट विथ वन ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस वन ईयर डिप्लोमा वाला भी अगर लाइब्रेरी साइंस आपने किया है तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गए और वर्किंग नॉलेज क्या होना चाहिए आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होना चाहिए और आपको डिजायरेबल नॉलेज क्या होना चाहिए कंप्यूटर आना चाहिए सो द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू लुक थरली

आपको जब आपने कैंडी कैंडी कैंडीशन के ख़ुद को आप प्रेजेंट करते हो तो आपके पास ये पॉइंट सारा क्लियर होना चाहिए कि हम इनके दिए गए क्राइटेरिया के मुताबिक हम हैं या नहीं हैं ठीक है ठीके? और मैंडेटरी uh, होना पड़ेगा आपको कि मतलब ये इनका दिया गया क्राइटेरिया इन्हें चाहिए ही चाहिए एलिजिबिलिटी जो इन्होंने एडुकेशन एलिजिबिलिटी दिया है वो भी आपका पूरा होना चाहिए सो यू शुड गो थ्रू ऑल दिस वंस अगेन बिफोर सेंडिंग द एप्लीकेशन फॉर्म और फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म सो दिस बस फॉर टुडे डू शेयर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डाइट टू लोन थैंक यू